आज बनाने वाले हैं मिनी स्टोने सूप। सभी वेजिटेबल्स की डंडियों को यूज करते हैं, इसका वेजिटेबल स्टॉक बनाते हैं। उसे 2 लीटर पानी लिया, उसमें इसे मैं डाल रही हूँ। ये जब अच्छी तरह से बॉइल हो जाए तब इसका हम यूज करेंगे। एक कढ़ाई ली है, 2 चम्मच बटर, 1 चम्मच ओलिव ऑयल। इसे मैं अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब तक लाते। एक तेज पत्ता तोड़ के, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 8 पेपरकॉर्न, 3 लवंग। इसे अच्छी तरह से हम सोते कर रहे हैं। लो फ्लेम पे ही हमें इसे करना है। नॉन जैन है वो इसमें 4 कली लहसुन की इसी वक्त डाल दे। मैंने 2 टमाटर लिए, अच्छी तरह से इसके पीसेस किए हैं और ये इसमें डाले। ये पार्सली के पत्ते इस तरह के आते हैं। इन तरह के सूपों में इसका खास फ्लेवर आता है। देखिए इसकी खुशबू एकदम माइल्ड और अच्छी रहती है। इसे मैं अच्छी तरह से धीमी आंच से सोते कर रही हूँ। 1 कटोरी भर के मैंने बॉईल किया हुआ टमाटर का ग्रेवी ली है। हम इसे आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डालेंगे, इसके लिए मैंने प्यूरी को पारबॉइल करके लिया है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। ये पार्सली है, इसे भी मैं थोड़ा डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। पीछे मेरा पानी भी अच्छी तरह से उबल रहा है वेजिटेबल सूप का। मैं इसमें 3 कप जितना पानी डाल रही हूँ छान के। फिर हम साइड में रख लेते हैं कि धीरे धीरे बॉईल होगा। इसके लिए थिकन करने के लिए मैं एक रू बना रही हूँ। 3 टेबलस्पून बटर है, मैदा भी हम 3 टेबलस्पून लेते हैं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें, देखिए ये जो व्हाइट हो रहा है ना, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें लम्स भी नहीं रहेंगे। अगर ये पकेगा अच्छी तरह से तो इसका सूप में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये जल जाएगा तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। इस पानी डालना है लेकिन थोड़ी देर बाद, नहीं तो ये उड़ के मुंह पे नहीं आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने गैस बंद कर दिया है। जो वेजिटेबल स्टॉक का पानी है उसे ही मैं इसमें डाल रही हूँ जिससे फ्लेवर और अच्छा आए। देखिए थोड़ा संभाल के, नहीं तो ठंडा होने के बाद आप डालिएगा। हमारे वेजिटेबल से कलर को आप देखिए, अभी भी ग्रीन है। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है जिससे इसमें लम्प नहीं रहे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये बॉईल हो गया है, इसे हमें छानना है। अगर हम पीस लेंगे तो सभी खड़े मसाले बहुत तीखे हो जाएंगे, इसके लिए मैं ऐसे ही उसे चान कर रही हूँ। वापस इसे इसी पैन में ट्रांसफर कर देंगे और रूह को भी इसी में मिला देंगे। ये ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, चिली पीसी हुई, फ्रेंच बीन्स है उसे मैं डाल रही हूँ, पारबॉइल है, गाजर भी पारबॉइल है 2 टेबलस्पून। ये इसी तरह से ब्रोकली को भी मैं डाल रही हूँ, 1 कटोरी कैप्सिकम भी फाइनली चॉप। ये थोड़े पास्ता है, ये भी 60% बॉइल है, गाढ़ा हो जाए तब हम सॉल्ट टू टेस्ट। ये थोड़ा सौंठ डाल रही हूँ, ड्राई जिंजर। ये बनने के बाद काफी थिक हो जाएगा। बस अब ये बराबर हो गया है सूप। क्राफ्ट का इस तरह का डब्बा मिलता है, वो 1 चम्मच पार्मेसन चीज, मैंने पाउडर लिया है, आप क्यूब्स भी डाल सकते हैं। मैंने गैस बंद कर दिया है। 1 चम्मच जितना मैं फ्रेश अमूल क्रीम डाल रही हूँ। फ्रेश क्रीम डालने के बाद शायद थोड़ा कलर लाइट हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ। यह एक हेल्दी मील की तरह भी है।
थोड़ी धनिया कोस पार्सली और मैं ब्रोकली के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। यह सूप बनके तैयार है, विंटर स्पेशल मिनी स्टोने सूप बनके तैयार है।